क्या लग रहा है इस बार 2024 में जो सभा अपना किला बताती है उस पर कमल का बुलडोजर चलेगा या नहीं? बिल्कुल चलेगा, बुलडोजर बिल्कुल चलेगा, अच्छी और अच्छी तरह चलेगा। 24 का चुनाव है, 24 का चुनाव है, यहाँ से सभा जीतेगी 4 लाख वोटों से। आप भी युवा हैं, क्या लग रहा है भाजपा की सीट निकलेगी इस बार माननीय जयवीर सिंह जी? अच्छा मंत्री, नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। आज हम पहुंचे मैनपुरी के किसनी थाना क्षेत्र पड़ता और यहाँ कल अमित शाह जी की रैली थी, उसी को लेकर के हम आए। कुछ बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हमारे साथ हैं, इनसे चुनावी चर्चाएं करेंगे कि इस बार माहौल किसका है और चुनावी चर्चाओं में बात करेंगे। बाबा जी, क्या नाम है अपना? नरेश अग्नोत्री जी। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, कल रैली भी हुई है, 2 तारीख को होने वाली है, क्या चर्चाएं होती है चुनाव की? चर्चा सही है, चर्चा सही चल रही है और काम सही हो रहा है। अच्छा, हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार 2024 में जो सभा अपना किला बताती है उस पर कमल का बुलडोजर चलेगा या नहीं? बिल्कुल चलेगा, बुलडोजर बिल्कुल चलेगा, अच्छी और अच्छी तरह चलेगा। तो हमने देखा उपचुनाव में देखा लगभग 2,80,000 से, तो 2,80,000 से नहीं जीतोगी किसी पार्टी की, नहीं होगी 2,80,000 की ये पार्टी कोई सब है, तो 2,80,000 से नहीं जीतोगी। अच्छा, हाँ, थोड़े मार्जिन से जीतोगी, किसी की हो थोड़े मार्जिन से जीतोगी, जीत किसी की भी हो सकती, किसी भी हो सकती है लेकिन थोड़े मार्जिन से हो सकती है। अच्छा, मंत्री जी ने अभी एक भाषण में अपने में कहा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ तो बताइए, अगर अभी नहीं जीते तो कभी नहीं होगी। नहीं नहीं तो लग रहा है हर बार का फंसेगा, कांटे की टक्कर फंसेगी। क्या है समीकरण, क्या रहेगा समीकरण? बराबर की जनता का, जनता का, जनता का मूड है। अब देखो किधर घूम जाएगा, जनता का मूड किधर घूम जाए। अब 2 तारीख को अभी देख रहे हैं आप, 2 तारीख को फिर मंत्री जी रैली करने आ रहे हैं, रोड शो करेंगे, उसके बाद बसपा। अच्छा, बात करते हैं कांग्रेस वाले दोनों आ रहे हैं बराबर। बसपा की अगर बात आई है तो मैनपुरी में बात करते हैं। अभी आपने देखा है कि यादव तीसरे नंबर पर रह सकती है। अच्छा, बसपा तो तीसरे नंबर पर रह सकती है। नहीं, चुनावी इसमें देख रहे हैं हमने, उन्होंने भी यादव प्रत्याशी उतार दिया, उससे कोई फर्क पड़े? अब वो तो उतार दिया लेकिन यादवों में मान लो जहाँ में भी 2 पक्ष रहे, वो आपने कुछ बता रहे कोई कुछ बता रहे मान लो। नहीं तो बसपा किसका खेल बिगाड़ सकती है? सपा का बिगाड़ सकती है। अच्छा, सपा का पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। कह रहे बसपा तो खत्म ही हो गई। खत्म नहीं हो गई, ये तो अपने अपने कह देते, लेकिन खत्म कोई पार्टी होती है नहीं? वो तो खैर वो तो खत्म नहीं होती है, लेकिन जो खेल बिगाड़ेगी वो बसपा सपा का खेल बिगाड़ेगी। क्यों? उसमें कमरिया घोसी की बात कर रही है इसीलिए। क्या है समीकरण, मतलब ये कमरिया घोसी का क्या है पूरा? अब जे तो जाने यार ही बता देगा, तो को कमरिया है को घोसी मान लो। अब जो सफाई के कमरिया है क्या घोसी, तो वही बता सकते। अब हम तो नहीं पता थी, हम तो अपनी गोत भी बता सकते। अब हमारे गोत मान लो 10-20 गोत है तो अपने गोत बता सकते हम, लेकिन उनमें नहीं बता सकते। कोई नहीं, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि 2024 का चुनाव, कोई बात नहीं, आ जाइए। क्या लग रहा है 24 का चुनाव है? 24 का चुनाव है, यहाँ से सपा जीतेगी 4 लाख वोटों से। डिम्पल यादव 4 लाख वोटों से कह रहे हैं, बहुत 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 कम। वो तो कहने को अपनी अपनी कहते हैं, अब की बार बहुत अच्छी विजय होगी, पहले से भी ज्यादा। नहीं तो बसपा ने भी अपना यादव प्रत्याशी था, यादव से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दूसरी पार्टी यादव की पार्टी है। सपा सपा जीतेगी यहाँ से 4 लाख से ऊपर जीती होगी, पहले शाक नहीं मिला था, शाक मिल रहा है भरपूर। अच्छा, आओ कोई नहीं, शाक के वोट अगर बात करते हैं, शाक के वोटों की काफी है, बहुत ज्यादा शाक के वोट है। 30,000 है। बसपा ने अपना पहले शाक प्रत्याशी उतारा था, तो क्या लग रहा है भाजपा की भी पार्टी है? नहीं तो उसने गई थी शाक, भाजपा में था पिछले, अबकी बार नहीं है, अब की घूमा हुआ शाक। नहीं तो बसपा ने अपनी टिकट क्यों वापस कर ली शाक समाज से? शाक समाज तो बहुत है, तो अपनी अपनी पार्टियां हैं, अपना क्या करना क्या नहीं वो तो अपना अपना रुझान है, क्या करती कौन सी पार्टी। आप रैली में गए थे अमित शाह जी की रैली में? नहीं, मैं नहीं गया। अब 2 तारीख को मैनपुरी में रोड शो होने जा रहा है, वो तो होते रहते, पार्टियां हैं अपने अपने करेंगे, अपने अपने प्रचार करते, अपने अपने वोट मांगते हैं आदमी, हर पार्टी मांगती है, उसमें कोई बुराई नहीं। तो अपने अपनी कहता है 24 के समीकरण को हम बाबा से फिर एक बार और समझेंगे, क्योंकि बाबा ने अभी कहा कि इस बार जो 2,80,000 से जीत हुई थी उससे नहीं होने वाली है, कि 2,88 जो हुई थी अब की 4 लाख से पार जाएंगे, 4 लाख से पार जाएंगे, 4 लाख से पार बता रहे। वो कह रहे हैं 4 लाख मान लो, अब भाई उनकी बात मानो मान लो, हमारा समीकरण है 4 से 4 की चलेगा, 1 के नीचे ना आ जाए कहीं।
एक के नीचे क्यों? वो लड़े थे साक्षी लड़े थे तब मुलायम सिंह थे तब उन्होंने तब बताइए उनसे पूछे कितने वोट उन्होंने जीते थे 80-90 से जीते थे। अब वही मान लो अभी तो मान लो मुलायम सिंह मान लो उनका निधन हुआ था तो इस वजह से आदमी एकदम झुक गया मान लो उन्होंने श्रद्धांजलि देने के लिए लेकिन अब थोड़ी श्रद्धांजलि मान लो एक ही बार दी जाती है एक ही बार श्रद्धांजलि दी जाती है 2,80,000 से इसीलिए जीत गई थी श्रद्धांजलि दी थी नेताजी 4,00,000 पार है यहाँ से अंत कुछ भी कहीं भी हो यहाँ से 4,00,000 से पार होंगे। आप भी युवा हैं क्या लग रहा है भाजपा की सीट निकलेगी इस बार माननीय जयवीर सिंह जी? अच्छा मंत्री जी ने एक नारा और दिया है कि अभी नहीं और तो कभी नहीं लड़ेगा मैनपुरी और जीतेगा मैनपुरी ऐसा कुछ नहीं देखो अपनी अपनी पार्टी हर बार की कहती हर कैंडिडेट कहता है उसमें कोई बुराई नहीं हर आदमी सोचना इसी भी खड़ा हुआ कि हम जीतेंगे लेकिन जीतना वही है जो होगा वही हो रहा सब सपा ही जीतेगी यहाँ से साइकिल जीतेगी 4,00,000। चलो और भी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। आपने देखा कि कितनी क्षेत्र की जनता क्या सोचती है और क्या विचार करती है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे तब तक के लिए नमस्कार।